गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। SST में लास्ट टाइम सिविक का कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन हमने पढ़ा था। नाउ यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर आई थिंक आप सब इसका रीड कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने ये फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स करवाए थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्या पर्पज है। नाउ नेक्स्ट आज के सेशन में मैं आपको एक इंडिया के जस्ट नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो बताना चाहूँगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मेंट बाय द थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द नेपाल। ए कंट्री हुज बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ, और नॉर्थ में इंडिया के पास में इसका बॉर्डर है, जिसको नेपाल की कंट्री मतलब नेबर कंट्री हो गए। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज मोनार्की। द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990। यहाँ पे नेपाल वाज ए मोनार्की, मतलब एक मोनार्की मतलब आप ये बोल सकते हो राजाओं का साम्राज्य, जहाँ राजाओं की चलती है उसको मोनार्की बोला जाता है, ना कि डिक्टेटरशिप। इसको तानाशाह बोल के आप एक जहाँ पर रूल्ड बाय द किंग। द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रिमेंस विद द किंग। द पीपल्स प्रोटेस्ट इन द नेपाल फॉट फॉर मैनी ईयर, ये आपके मैच द कॉलम में भी आएगा, फॉट फॉर मैनी ईयर्स सेट अप अ डेमोक्रेसी इन 2006। और उन्होंने क्या किया, बहुत समय तक उन्होंने लड़ाई किया, किस लिए, क्योंकि वो राजाओं का साम्राज्य हटा के वो चाहते थे कि हम भी एक लोकतांत्रिक हो, हमारे द्वारा भी कोई सरकार चुनी जाए, ना कि एकाधिकार हो। और लास्टली सक्सीड इन द पुतिन गैन एंड्स ऑफ द पावर ऑफ द किंग, और आखिरकार उनको सफलता मिली और इन्होंने पुतिन गैंस को एंड्स के साथ कहाँ के राजा के को के पावर को एंड करके इन्होंने 2006 के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई। नाउ द पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट अप ए नेपाल एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसके बाद नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला गया। द रीजन दैट दे डू नॉट विश टू कीप विथ द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द कंट्री दैट दे डिजायर टू द नेपाल टू बी एंड दे हैव द फॉट फॉर। और पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ये इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके अंदर कुछ आइडियल नहीं था और न ही इसमें कुछ कंसेप्शनल पॉइंट्स थे जो कि नेपाल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देता है। एक एग्जांपल है, एज इन द स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल इन विच वेरिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स विल चेंज द स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर। नेपाल बाय शिफ्टिंग फ्रॉम ए मोनार्की टू द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वांट टू चेंज ऑल कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स इन द अकॉर्डिंग टू द पेनेट्रेशन ऑफ न्यू सोसाइटी। और जैसे ही उन्होंने एक मोनार्की टू द कन्वर्ट फ्रॉम मोनार्की टू द डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जब कन्वर्ट हुए तो फॉर मैनी रूल्स एट टू बी कन्वर्टेड एंड न्यू अमेंडमेंट एज कम अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बाय द फेडरेशन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट। दिस इज व्हाई पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और वहाँ के कुछ पीपल्स ने जो संविधान के बारे में नॉलेज रखते थे उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अपना संविधान को बनाया। दी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और सेकेंड पर्पज क्या था, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को भी पता चले कि कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है राजनीतिज्ञ के बारे में। फॉर नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इम्पोर्टेंट फॉर द मैच द कॉलम वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
इन द और जब पॉलिटिकल सिस्टम होगा तब वो क्या पहले राजाओं के बारे में होता था या उसकी प्रजा उसके एक कैबिनेट टाइप जो साम्राज्य होता है उसके बारे में ही माना जाता था। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम हुआ इन डेमोक्रेटिक कंट्री तो उसके अंदर जो लीडर चुना जाएगा वो किसके थ्रू जाया जाएगा, लीडर्स हैज बीन सेलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ वोटिंग, वोट के अनुसार इनको पीपल को सेलेक्ट किया जाएगा। इन क्रूशियल रूल्स ऑफ प्लेइंग सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। और उन्होंने धीमे धीमे पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ के अलग अलग सोसाइटी में काम करने शुरू हुए। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री वी चूज अवर लीडर्स जो अभी मैंने आपको बताया सो दैट दे कैन यूज देयर पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर वेलफेयर। और वो पीपल के द्वारा अपने पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते थे। हाउएवर दैट देयर इज ऑलवेज द पॉसिबल दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर। और आपको पता है जब कोई अच्छे काम के लिए एडवांटेज के लिए करते हैं तो मिस एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी होता है। और वो लीडर मिस यूज करता था अपनी अथॉरिटी को दी कॉपी, उसके लिए भी अलग सेफ गार्ड्स कुछ ब्लॉक्स बनाए गए। दिस मिस यूज ऑफ पावर कैन रिजल्ट ए ग्रोस इनजस्टिस ऑफ डेमोस्ट्रेट इन द क्लासरूम। ये अगला नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा एक विथ एग्जाम्पल, ये पैराग्राफ वापस रिपीट होगा। आज आपके लिए ये है और होमवर्क में आपके होमवर्क में ये मैच द फॉलोइंग है, बहुत ईजी है। ये कंटिन्यू सेंटेंस है जैसे मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर ही आपको सर्च करोगे तो ये लाइनें मिल जाएगी, इसी के आगे की लाइन है ये आधी लाइन ये है और आधी लाइन ये है। ये आपको मैच करना है चैप्टर रीडिंग के साथ में, ये आपका होमवर्क है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आंसर करवाऊँगा। थैंक यू।